तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। जब तक मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे तब तक इजराइल महफूज रहेगा। जिस दिन मुसलमानों की लड़ाई खत्म हो जाएगी इसराइल फना हो जाएगा। यह बात शिया धर्म गुरु मौलाना सैयद कलवे जव्वार नकवी ने जनपद बाराबंकी के तहसील सरौली गौसपुर अंतर्गत ग्राम किंतूर में सूरा फातिहा के आयोजन में मजलिस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने वाला मुसलमानों का दुश्मन है। बताते चले कि ग्राम किंतूर निवासी हाजी जुबेर अहमद खान के पुत्र मरहूम मोहम्मद आसिफ खान के सूरा फातिहा पर आयोजित कार्यक्रम में शिया धर्म गुरु की मजलिस का आयोजन बाबर किंतूरी द्वारा किया गया, जिसमें शिया सुन्नी धर्मों के मानने वालों ने एक साथ बैठकर शिया धर्म गुरु की तकरीर को सुना। अपनी तकरीर में शिया धर्म गुरु द्वारा आपसी लड़ाइयों को त्याग कर मिलजुल कर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश का हिंदू मुसलमान तरक्की करेगा तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा। इस मौके पर जुल्फी मियाँ, फैजी मियाँ, आदिल काजमी, निहाल काजमी, गुलाम मोहम्मद, चंदू वारसी, अकील मियाँ, लाइक शहाबुद्दीन, इमरान हैदर, सूफी सलमान अंसारी, सैकड़ों लोग उपस्थित थे। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से न्यूज 22 इंडिया के लिए सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। साल को अगर तरक्की दे रहा है तो हिंदू मुस्लिम भी आपस में तय करें, शिया सुन्नी में तय करें, इत्तेहाद में यूनिटी हो, और यही हिंदुस्तान की तारीख रही है कि यहाँ जो है हमेशा इत्तेहाद रहा है, यूनिटी रही है, और हिंदुस्तान बिल्कुल एक गुलदस्ते के मानिंद है जिसमें हर तरह का फूल है, और जिसमें हर फूल जो है वो अपने यहाँ पर इम्पॉर्टेंस रखता है, पूरा यहाँ पर अहमियत रखता है, तो इसलिए वो गुलदस्ता बाकी रहना चाहिए। और ख़ास तौर से हमें ताकि ये जो मुसलमान भी आपस में तय रहें, क्योंकि जो लड़ाने वाले होते हैं वो इस्लाम के दुश्मन हैं, अगर इस्लाम के सही जो मानने वाले नहीं हैं और इस्लाम के दोस्त नहीं हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क की तरक्की भी इसी में है कि सबके सब मुतहद रहे, सब इतिहाद है, सब यूनिटी रहे। जो लड़वाता है वो दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता है। इसी तरह से जो हिंदू मुस्लिम अगर लड़वाए तो वो भी हिंदुस्तान का दुश्मन है, जो शिया सुन्नी लड़वाए वो भी इस्लाम का दुश्मन है। ये हमारा पैगाम है, इसी पैगाम को हम लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैलाते हैं कि आपस में यूनिटी रहे, आपस में इतिहाद रहे, आपस में मोहब्बत रहे, इसी में हमारे मुल्क की भलाई, इसी मुल्क की तरक्की हमारी। मुसलमान तरक्की करेगा तो हिंदुस्तान की तरक्की होगी, हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो मुसलमान की तरक्की होगी, दोनों एक दूसरे के जोड़ है और दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ये तस्वुर है तो हिंदुस्तान की भलाई है, मुसलमानों की भी भलाई है, यही हमारा पैगाम रहता है। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान हमारी ज़िंदगी है, हिंदुस्तान में हमें रहना है, हिंदुस्तान में मरना है, और हमें कोई दूसरा मुल्क जो है वो हिंदुस्तान में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए यहाँ रहते हैं, इसीलिए हमारा वतन है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।